ये है फांसी का घर। सिर्फ मुझे मेरा आने वाला हिंदुस्तानी ऑर्डर देता है और दूसरा डिफेंस देता है, इन दोनों की बात सुनती हूँ। सर ऑल स्माइल, द इंडियन लेडी इज नॉट स्माइलिंग। लोग जंगल में रहते हैं। फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल टूर एंड ट्रैवल विद फैमिली। और आज हम लोग चलेंगे भारत की एक खास डेस्टिनेशन में, बंगाल की खाड़ी में स्थित समुंदर के बीच एक द्वीप समूह जो कि हमारे भारत का अंदर में आता है, और इसलिए यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा का भी जरूरत नहीं है, और वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान में लगभग 300 द्वीप है जो हजारों साल पुराने हैं। अंडमान में जारवा, सेंटिनेली, ग्रेट अंडमान और अन्य आदिवासी जनजातियों के लोग रहते हैं। ये वीडियो में हम लोग नॉर्थ अंडमान से साउथ अंडमान का दौरा करेंगे। चलेंगे पोर्ट ब्लेयर से लेकर बाराटन, रंगत और मायाबंदर होकर डिगलीपुर और साथ में हैवलॉक। वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लेकिन पूरा वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी बिना ट्रेवल एजेंट का अंडमान का सफर बहुत ही सस्ते में कर सकते हैं। और जैसे एक ही वीडियो में अंडमान ट्रेवल का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, तो अंत में आपको लगेगा कि आपने सही में कुछ अच्छा देखा है। इसलिए हाथ में थोड़ा समय लेकर वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ ये सुनहरा अंडमान का सफर में बने रहिए। अनेक छोटे छोटे द्वीप और कई पर्यटन आकर्षण से घिरा अंडमान दुनिया के सबसे पसंदीदा हनीमून और छुट्टियां बिताने की स्थान है। अंडमान समुद्र के बीच बसा हुआ एक द्वीप समूह है, इसलिए अंडमान जाने के लिए या तो हवाई जहाज या पानी जहाज से ही जाना होगा। अंडमान निकोबार द्वीप पुंज की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली से मिल जाएगी। दिल्ली से उड़ान कोलकाता और चेन्नई होकर जाएगी और उसमें आपको 5 घंटा समय लगेगा। सितंबर से मार्च तक अंडमान जाने के लिए सही समय है, उसके बाद गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा जर्नी शुरू हुआ था 15 फरवरी कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए, और फ्लाइट में कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर तक हम लोग को समय लगा 2.5 घंटा, और कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर फ्लाइट में जाने के लिए हमें लगा लगभग 6,000 रुपीज पर पर्सन। अंडमान से कोलकाता वापस आने का समय हम आपको पानी जहाज के बारे में बताएंगे, क्योंकि उस समय हम लोग जहाज से वापस आए थे। हमारे हवाई जहाज की खिड़की से लिया हुआ ये तस्वीर बहुत ही मनमोही है। पोर्ट ब्लेयर में लैंडिंग के वक्त ये दृश्य बहुत खूबसूरत था। ऊपर से दिख रहा था चारों तरफ समुंदर और समुंदर का बीच में छोटा छोटा आइलैंड। ये सारे नज़ारे साथ में लेकर हम लोग का उड़ान कुछ ही देर में पहुंचने वाला है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में, जो कि वीर सावरकर एयरपोर्ट का नाम से भी मशहूर है। अंडमान, जिसका भारतीय व्यापारियों ने नाम रखा था अंधेरा का मानिक, और टॉलेमी का हिसाब से गुड स्पिरिट आइलैंड, किसी का हिसाब से उगता सूरज का देश और किसी का हिसाब से भयानक। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नाम रखा था शहीद और स्वराज द्वीपपुंज। लेकिन भले ही नाम इसका जो भी हो, इस हरित द्वीप का प्राकृतिक सौंदर्य को दिल से भुलाना नामुमकिन है। ये हरियाली, ये समुंदर और कुदरत की ये शोभा हर किसी को आकर्षित करेगा। अभी घड़ी में बज रहा है सुबह 11:10 और हमारी हवाई जहाज की चक्का पोर्ट ब्लेयर की जमीन पे अपना पैर रख चुका है। हम लोग पहुंच गए कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में आकर हम लोग चेक इन किए होटल गोल्डन व्यू में,
अंडमान की ये पोर्ट ब्लेयर शहर भारत और दुनिया भर की पर्यटकों में काफी मशहूर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंट बजट का काफी होटल मिल जाएगा। तो होटल का टेंशन बिल्कुल ना करें, आप चाहे तो पहले से होटल का बुकिंग बना के आ सकते हैं, या ऑन स्पॉट होटल भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। होटल में चेक इन करके अभी हम लोग फिलहाल है मरीना जेटी में, और यहाँ पे समुन्दर का गाढ़ा नील रंग और दूर से दिख रहा है छोटा छोटा वेसल बोट्स। देखिए यहाँ पे इस समय चल रहा है स्कूबा डाइविंग, और हम लोग भी आगे जाकर करने वाले हैं स्कूबा डाइविंग एंजॉय, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। गाढ़ा नील समुन्दर को चीरते हुए दूर से चल रहा है एक जहाज, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रवेश कर चुके हैं रूप कथा की कोई राज्य में। नीला आसमान और गहरा नीला समुन्दर, शायद ये दृश्य अंडमान में ही दिखता है। और गहरा समुन्दर की पानी में ये लोग खोज रहा है कोरल्स, जो हम लोग देखते हैं डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, वही चीज हो रहा है यहाँ पर। मरीना पार्क की मरीना जेटी में समुन्दर की इस गहराई में ये लोग खोजते हुए रंग बिरंग की मछलियां और सामुद्रिक प्राणी, इनका ये एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया होगा। जेटी बाएं तरफ है एक सुंदर सा स्विमिंग पूल, और दाहिने तरफ है समुंदर, और फरवरी मिडिल में यहाँ पे काफी गर्मी और धूप है, तो इसलिए जब आप अंडमान आएंगे तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। All smile. The Indian lady is not smiling. पोर्ट ब्लेयर शहर में विदेशी पर्यटकों का भीड़ हमेशा लगा हुआ रहता है। फिलहाल के लिए हम लोग मरीना जेटी से थोड़ा दूर पे राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुके हैं। ऐसे पूरा अंडमान द्वीप से भरा हुआ है, तो एक द्वीप से दूसरा द्वीप में जाने के लिए यही वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से छोटा छोटा बोट और मिनी शिप चलती है। पोर्टब्लेयर का ये सारा डेस्टिनेशन 2-5 किलोमीटर के अंदर ही है, तो अगर आप सस्ते में साइट सीन करना चाहते हैं तो आप ऑटो लेकर एक डेस्टिनेशन से अगला डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पोर्टब्लेयर की मुख्य आकर्षण सेलुलर जेल में। 1906 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया ये एक 3 मंजिला जेल है, जहाँ पे भारत की स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था। उस समय 7 समुन्दर पार अंडमान का इस सेलुलर जेल में सेनानियों को भेजने का मतलब था काला पानी का सजा। ये जेल स्वतंत्रता सेनानी पे अमानवीय नृशंस अत्याचारों का एक मूक गवाह है। अभी ये राष्ट्र को स्मारक के रूप में समर्पित किया गया है। वीर स्वतंत्रता संग्राम की गाथा की ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से यहाँ दर्शाया जाता है। रोज शाम को 6 बजे हिंदी में, 7:15 पे अंग्रेजी में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो जो होता है वो काफी दिलचस्प है, और उसमें सेलुलर जेल के इतिहास के बारे में
और काला पानी की सजा के बारे में डिटेल में बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक संग्रहालय, एक आर्ट गैलरी और एक फोटो गैलरी है जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक सभी दिन खुला रहता है। गैलरी में स्वतंत्रता सेनानियों का तस्वीरें लगा हुआ है और इन्हीं का बलिदान से आज हमारा भारत एक स्वतंत्र और स्वाधीन देश है, जो देखकर आपका दिल भारी हो जाएगा। ये सारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों द्वारा काला पानी में भेज दिया गया था और ये सेलुलर जेल में बंद थे। ये तस्वीर है हमारे एक मित्र के पिताजी श्री नगेंद्रनाथ दे का। बहुआ कॉन्स्पिरेसी केस में इनका हुआ था काला पानी का सजा। तो अंदमान आने से पहले उन्होंने मेरे को बताया था सेलुलर जेल में उनका पिता का फोटो एक बार जरूर देखने के लिए। ये सेलुलर जेल 7 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। 3 मंजिल वाला इस जेल पे अलग अलग छोटे छोटे घर में स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था। यह है फांसी का घर जहाँ पे हजारों स्वतंत्रता सेनानी भारत माँ के लिए अपना जीवन का बलिदान दे चुका है। देखिए, फांसी का घर से अभी हम लोग आ गए हैं, आप कह सकते हैं एक छोटा सा खोली में, जो कि उस समय का सेलुलर जेल का एक सेल है। और इसी तरह का अलग अलग सेल में एक एक सेनानियों को रखा जाता था, इसलिए एक दूसरे से मिलने का और आपस में बात करने का कोई भी सुविधा नहीं था। सेनानियों पे चलता था कठिन अत्याचार, उसी का नमूना है ये लकड़ी का स्टैंड और उसमें बांधा हुआ एक इंसान। और ये है वीर सावरकर का सेल। सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद हम लोग आ गए हैं गांधी पार्क में। गांधी पार्क में एंट्री के लिए एक नॉमिनल एंट्री फीस है। एंट्रेंस में ही आपको महात्मा गांधी का एक बड़ा स्टैचू दिखेगा और फैमिली और अगर आपके साथ बच्चा है तो अंदर में काफी सारा एक्टिविटीज है जिसको आप अच्छा से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह 6 बजे हमने पोर्ट ब्लेयर से चलना शुरू किया बाराटन के लिए, जो कि पोर्ट ब्लेयर से उत्तर में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये है चेक पोस्ट जहाँ से सुबह 6 बजे बाराटन के लिए सारे गाड़ियाँ चलना शुरू होगा। गाड़ियों की लंबा कतार के पीछे और सामने रहता है सशस्त्र पुलिस का स्कॉर्टिंग, क्योंकि सुबह सुबह इस रास्ते में हमको मिल सकता है अंदमानी जारवास। पोर्ट ब्लेयर से ये रास्ते से बाराटन जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी। बस का किराया है 150 रुपीज पर पर्सन। सुमो या स्कॉर्पियो टाइप प्राइवेट गाड़ी लेके जाने से पर डे का 4000 रुपीज आपको लग जाएगा। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि काफी द्वीप को लेकर ये अंदमान द्वीप पुंज है, इसलिए रोड से चलने के अलावा आपको बोट, मिनी शिप और लॉन्च में एक आईलैंड से दूसरे आईलैंड में बार बार ऐसे ही जाना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बाराटन की लाइम केव में। बाराटन की ये लाइम केव जब तक कोई आंखों देखी नहीं करेगा तब तक समझना मुश्किल है ये कितना सुंदर है। लाइम केव में घुसने से पहले ही है एक चेतावनी, आप इसको जरूर पढ़ ले। और चलिए अभी गाइड लेते हैं और गाइड लेकर लाइम केव घूम के देखते हैं। लाइम केव के अंदर पूरा अंधेरा है और हाथ में इमरजेंसी लाइट लेकर हमारा गाइड हमको समझाया कि किस तरीके से
समुंदर का पानी से नेचुरली ये लाइम केव बना है। गाइड साहब ने ये भी बताया कि ये लाइम केव जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इट्स इंक्रीजिंग, और ये सचमुच एक अच्छा चीज है, देखने वाला चीज है। अगर हम अंडमान नहीं आते, बाराटर नहीं आते, तो ये नहीं देख पाते। देखने के बाद हम लोग अभी आ गए हैं बाराटन की माठ वोल्केनो में। माठ वोल्केनो ये एक जीवित ज्वालामुखी है। जो कि हकीकत में देखने लायक है, और हमने अपना जीवन में ऐसा जीवित ज्वालामुखी का पहला बार परिक्रमा किया। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंट्री प्रोहिबिटेड इनसाइड द फेंस्ड एरिया। की लकड़ी से घेरा हुआ ये जगह ज्वालामुखी का केंद्र स्थल था। कभी नहीं सोचा था एक जीवित ज्वालामुखी को इस तरीके से हम लोग आंखों देखी कर पाएंगे, और ये हमारे लिए सही में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर बाराटन ना आते, अंडमान ना आते, तो ये सारी चीज हम मिस कर जाते। से अभी हम लोग वापस आ गए हैं बाराटन की जेटी में। छोटे छोटे आइलैंड को लेकर जैसे अंडमान द्वीप पुंज बसा हुआ है, तो इसलिए छोटा गाड़ी से बस बार बार करके इसी तरीके से छोटे शिप से एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड में जाता है। और शिप से हमारा गाड़ी उतरने के बाद अभी हम लोग बाई रोड चल रहे हैं मिडिल अंडमान रंगत की तरफ। और ये है जारवा। बिल्कुल 16 फरवरी को बाराटन से रंगत की ये जर्नी हमें जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि इसी रास्ते में हमें दिखा अंडमान का आदिवासी जनजाति जारवा। एक नहीं, दो नहीं, काफी दोनों तरफ के जंगलों में रहने वाले ये आदिवासी जारवा सुबह आ जाता है रोड पर। लंबी लाइन लगाकर चलने वाली टूरिस्ट की गाड़ी से अगर मिल जाए कुछ खाने पीने का सामान। हमें पता चला कि लगभग विलुप्त होने वाली ये आदिवासियों की संरक्षण के लिए सरकार ने काफी कदम उठाया है, और सरकार के तरफ से इन्हें हिंदी सिखाने का भी काम चल रहा है। ये लोग जंगल में रहते हैं, पेड़ के पत्तों से बना हुआ वस्त्र पहनते हैं, और इनकी जीवन का माध्यम पैसा नहीं है। यहाँ आकर पता चला कि 21वीं शताब्दी में भी हमारे भारत में ऐसा कोई जगह है जहाँ पैसों का कोई मोल नहीं। गाड़ी का ड्राइवर को काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने इस रास्ते पे गाड़ी नहीं रोका, क्योंकि यहाँ पे हमारे और जारवा जनजाति के लोगों के दोनों के लिए गाड़ी रोकना सुरक्षित नहीं भी हो सकता है। YouTube में अंडमान के ऊपर काफी सारा वीडियो होगा, लेकिन मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ बाराटन से रंगत जाने वाली ये रास्ते में जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है, काफी भाग्यशाली होने से ही ऐसा एक्सपीरियंस किसी को होता है। और आगे बहुत सारा दिलचस्प चीजें बाकी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने सही में कुछ अच्छा देखा है। और ये बस के ऊपर बैठ के चलने वाला जारवा किराया कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके पास तो पैसा है नहीं। बीच में बारिश होने के वजह से कुछ देर के लिए ये लोग गायब थे, और बारिश खत्म होते ही रास्ते में फिर से आ गया पूरा बैटालियन। Thank you.
रंगत पहुंचने के बाद हम लोग आ गए हैं रंगत की फेमस आमकुंज सी बीच में। ये एक वर्जिन सी बीच है और चारों तरफ का देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, और कोई नहीं है यहाँ पे, और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये सी बीच। अपने परिवार और बच्चों के साथ आकर समय गुजारने के लिए ये एक बहुत अच्छा जगह है। ट्रैवल एजेंट द्वारा आकर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पोर्ट ब्लेयर और बाराटन होकर ही वापस चले जाते हैं मिडिल अंडमान, या मिडिल अंडमान से आगे मायाबंदर और डिगलीपुर तक बहुत कम टूरिस्ट ही जाता है। लेकिन अगर आप अंडमान का सफ़र करेंगे तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आप पोर्ट ब्लेयर से लेकर बाराटन, मिडिल अंडमान, रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर पूरा अंडमान का सफ़र करें, और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। रंगत में रहने के लिए काफ़ी होटल आसानी से मिल जाएगा, और रंगत में एक रात रहने के बाद दूसरे दिन सुबह हम लोग आ गए थे मायाबंदर। रंगत से मायाबंदर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, लेकिन जैसे हम लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जा रहे हैं और बीच में समुन्दर आ जाने से ये रास्ता कवर करने में समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। मायाबंदर से हम लोग जा रहे हैं एबिस आइलैंड, और इसके लिए आपको लग जाएगा 2500 से 3000 रुपया। एबिस आइलैंड जाने के लिए आपको यहाँ पे लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। समुन्द्र के किनारे ये बोट और वेसल वाले सारा चीज आपको करवा देंगे। और इस छोटा सा बोट में जाने से हम लोगों को काफी डर तो लग रहा था, लेकिन एक अलग थ्रिल भी था जिसमें बहुत मजा भी आ रहा था। मायाबंदर से एबिस आइलैंड आने में हम लोगों का तकरीबन आधा घंटा समय लग गया, और समुन्दर के बीचों बीच बसा हुआ ये एक छोटा सा आइलैंड जिसका इस तरफ से उस तरफ दिख रहा है, और यहाँ आने के बाद हमें ये समझ में आया कि ये बिल्कुल हमारे लिए धोखा नहीं है। इस एबिस आइलैंड में आना बिल्कुल हमारे लिए एक सही डिसीजन था। इस आइलैंड में 7 से 8 फैमिली बसा हुआ है। नारियल का बहुत सारा पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है जिससे कि इनका रोजी रोटी चलता है। कोई भी एबिस आइलैंड में आएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक परफेक्ट हॉलिडे और हनीमून डेस्टिनेशन आप कह सकते हैं। अंडमान में सबसे पहले यहीं पे हम लोगों को दिखा सफेद रेत, और देखिए समुन्दर का रंग। ये समुन्दर का पानी क्रिस्टल क्लियर है और 3-4 रंग से रंगीन है। देखिए एबिस आइलैंड में काफी अच्छा समय बिताकर हम लोग वापस आ गए फिर मायाबंदर सिटी में। दूसरा दिन सुबह मायाबंदर से हम लोग आ गए थे नॉर्थ अंडमान डिगलीपुर में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पुंज का उत्तर में आखिरी गांव है, और इसके आगे आता है नीला समुंदर बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे ये डिगलीपुर की समुंदर पे नहाते हुए ये है डिगलीपुर का एरियल बे जेटी, और यहाँ से हम लोग जाएंगे रॉस और स्मिथ आइलैंड। रॉस और स्मिथ आइलैंड जाने के लिए यहाँ से बोट लेना पड़ेगा। छोटे बोट के लिए लगता है 5000 रुपीस और कैपेसिटी है 5 पर्सन, और बड़ा बोट का चार्ज है 8000 रुपीस, कैपेसिटी 8 पर्सन।
एरियल बे जेटी से रॉस और स्मित आइलैंड जाने के लिए हमें 25 मिनट समय लगा। ये रॉस और स्मित आइलैंड ट्वीन आइलैंड का नाम से मशहूर है और बीच में से ये सफेद रेत की रास्ता जहाँ से रॉस आइलैंड स्मित आइलैंड में बाई वक्त अब जा सकते हैं, यही है यहाँ का खासियत। आज हमारे अंडमान निकोबार सफर का 6th डे है और डिगलीपुर से फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में आकर अभी हम लोग हैं चाथम शॉमिल में और यहीं पे है फॉरेस्ट म्यूजियम। इस वन संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाले प्रमुख आकर्षण में वो कलाकृतियां शामिल है जो लकड़ी गुर्जन ओक साटीन की लकड़ी और पादुआक से बनी है। ये प्रदर्शित कलाकृतियां द्वीपों में पाए जाने वाले समुद्र और घने वनस्पतियों को दर्शाती है। वन विभाग अनुसंधान भी करता है और इन अनुसंधान गतिविधियों के परिणाम इस संग्रहालय में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पर्यटकों को स्वाद बढ़ाने के लिए संग्रहालय में एक मिनी चिड़ियाघर भी शामिल है। तो आइए घूमकर देखते हैं ये सुंदर सा संग्रहालय। फॉरेस्ट म्यूजियम से अभी हम लोग आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर का रॉस आइलैंड पे। मरीना जेटी से मिनी शिप में अब जा सकते हैं रॉस आइलैंड। 0.6 स्क्वायर किलोमीटर जगह लेकर बसा हुआ है ये सुंदर सा रॉस आइलैंड। 15 अगस्त 1996 को इस आइलैंड का नाम रखा गया था लक्ष्मीबाई द्वीप। ये आइलैंड का प्राकृतिक दृश्य काफी मनोरम है तो हम लोग आके यहाँ पे काफी अच्छा समय बिताया। जॉब बना गया अपना अपने खुद का, क्योंकि मैं मिनिस्टरों के रिलेशन नहीं मानती हूँ। सिर्फ मुझे मेरा आने वाला हिंदुस्तानी ऑर्डर देता है और दूसरा डिफेंस देता है, इन दोनों की बात सुनती हूँ। दुनिया का कोई भी मिनिस्टर या कोई भी फिल्म स्टार आ जाए, मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ। इसलिए अपनी डिग्री को बंद कर कर रख दिया उठा कर। देखिएगा सेक्रेटेरिएट ऑफिस से इसमें एंट्री करने के लिए सेंटर से सीरिया नीचे 4 गार्ड रूम्स और 1947 में इस सेक्रेटेरिएट ऑफिस को पोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया, जिसे हमारी सरकार आज भी चला। आप में से जो लोग उस पहाड़ पर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि मैं जाऊंगी चर्च दिखाकर ऊपर से घुमाकर नीचे जाऊंगी। जो चल नहीं सकते यहाँ बैठ सकते हैं, मैं जब यहाँ से आऊंगी वहाँ से आवाज जाकर सबको बुला लूंगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानियों ने कब्जा कर लिया था इस रॉस आइलैंड पे, लेकिन फिर से 10th मार्च सन 1858 में ब्रिटिश फिर से वापस आ गए रॉस आइलैंड पे। और अभी हम लोग आ गए हैं चाथम शॉमिल में। यहाँ पे जंगलों की लकड़ी को काट कर प्रोसेसिंग करके बाई शिप देश विदेश में भेजा जाता है। इन्हीं लकड़ियों से बनता है जरूरी सामग्री और फर्नीचर। ब्लेयर और अंडमान में हर जगह आपको समुंदर दिखेगा और ये चाथम सॉमिल से भी दिख रहा है समुंदर और बहुत ही खूबसूरत नजारा।
शामिल से फिर से बोट लेकर हम लोग आ गए हैं भाईपर आइलैंड। स्वतंत्रता सेनानियों को इस भाईपर आइलैंड में भेजा जाता था, और दूर में जो दिख रहा है ये कोई मंदिर नहीं है। अंदर में घुस के जो वीडियो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये था फांसी का घर। लेकिन फांसी देने का नौबत आता ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले भूखा प्यासा सेनानियों को भाईपर स्नेक काट देता था। भाईपर आइलैंड से हम लोग वापस आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर का हड्डो में। एक छोटा सा चिड़ियाघर है, मिनी जू। तो आइए मिनी जू के अंदर घूमकर देखते हैं। का इस मिनी जू में आपको दुर्लभ प्रजाति की जीव जानवर मिलेंगे, जैसे कि सफेद ईगल, और ये है क्रोकोडाइल ट्रेनिंग सेंटर। और पता चला कि यहाँ पे अभी चल रहा है क्रोकोडाइल का ट्रेनिंग। आइए देखते हैं।
आंदामान में आप जहां भी जाओगे समुंदर, और मिनीसू का एकदम आखिरी कॉर्नर से ये व्यू समुंदर और पहाड़ों की। आज हमारा आंदामान सफर का सातवीं दिन है और हम लोग अभी एमवी जॉलीबॉय करके पहुंच चुके हैं आंदामान का फेमस हैवलॉक आइलैंड में। और ये है हैवलॉक आइलैंड की फेमस राधानगर सी बीच, जो दुनिया की बेहतरीन सी बीचों में से एक है। ये सी बीच का आनंद उठाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक भारी मात्रा में आंदामान में आता रहता है। पानी क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट है और व्यू इतना बढ़िया है कि आपको यहां से जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। एक सारा दिन गुजारने के लिए हैवलॉक का ये राधानगर सी बीच काफी है। आंदामान का दूसरा बीच का तुलना से ये राधानगर सी बीच सबसे सुंदर और बढ़िया था। यहाँ पे काफी लोगों को पानी में नहाते हुए और सनबाथ लेते हुए हमने देखा। ये सी बीच में जेट स्कीइंग और स्पीड बोट का तरह काफी एक्टिविटीज भी है, तो उसका आनंद भी आप उठा सकते हैं। और एक पूरा दिन इस बीच में गुजारने के बाद अभी फिलहाल यहाँ पे सनसेट होने वाला है। राधानगर सी बीच का ये सनसेट शायद हमारे जीवन में सबसे बढ़िया सनसेट था, और ये जो दृश्य है इसको भाषा में व्यक्त करना तो मेरे लिए संभव नहीं है। बाकी आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये सुनहरा दृश्य का आनंद उठाते रहिए। दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे आंदामान सफर का आठवीं दिन में हम लोग निकल पड़े एलिफेंट आइलैंड के लिए। और ये शांत सा पानी देखकर तो लग रहा है कि ये कोई झील का पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। समुंदर का ऊपर से इस छोटा सा बोट में कम से कम एक घंटा पानी से चलने के बाद शुरू हुआ एक्टिविटी। इसे आप स्नोकलिंग या स्कूबा डाइविंग कुछ भी कह सकते हैं। मुंह में एक लंबा नाली लगाकर जो कि तैरते वक्त समुंदर का नीचे सांस लेने में मदद करता है, इसका और साथ में गाइड का सहारे हमने देखा समुंदर का नीचे का रंगीन दुनिया।
और सचमुच में ये एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया था। बिना आंखों देखी इसे भाषा में बयां करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि समुन्दर के नीचे क्या कुछ दिखता है ये तो यहाँ से समझाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन समुन्दर का नीचे है एक अलग साम्राज्य जो कि डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट चैनल में हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। और इस एक्टिविटी के लिए आपको लगेगा पर पर्सन 3,500 to 4,000 रुपीस। एवलॉक का समुंदर में चलने वाली ये एक्टिविटी हमारे लिए सही में एक रोमांचकर अनुभव था और हमारे जीवन का एक यादगार किस्सा बन चुका है। और वहाँ से अभी फिलहाल हम लोग वापस आ चुके हैं समुंदर के किनारे। यहाँ पर है एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे वन विभाग के तरफ से हाथियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आइए देखिए ये नज़ारा। आज हमारे आंदामान सफर का आखिरी दिन है और हम लोग वापस आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से ही पानी का जहाज से हम लोग वापस जाएंगे कोलकाता की तरफ। जाने से पहले पोर्ट ब्लेयर का नवल मेरीन म्यूजियम का हमने दौरा किया। इस संग्रहालय का देखभाल के लिए भारतीय नौसेना जिम्मेवार है। संग्रहालय का एक नॉमिनल एंट्री फीस है और यहाँ पे आने से ना ही भारतीय नौसेना के बारे में काफी सूचना आपको प्राप्त होगा, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप पुंज की आदिवासी जनजातियों किस तरीके से रहते हैं, अपना जीवन का गुजारा करते हैं, इनका मनोरंजन का माध्यम क्या है, इनकी वेशभूषा किस प्रकार की है, ये आदिवासी जनजातियाँ कैसे अपना खाना पीना का जुगाड़ करते हैं, ये सारा चीज यहाँ पे वीडियोग्राफी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आज 6 मार्च और हमारा आंदामान सफर का 10वीं दिन है। हम लोग पोर्ट ब्लेयर की हाड्डो जेटी में आकर अभी चढ़ गए हैं हमारी 6 मंजिला जहाज एमवी निकोबार में। एमवी निकोबार में आंदामान से कोलकाता जाने के लिए 3 से 4 दिन लग जाएंगे। और इस जहाज में 4 तरह का क्लासेस है, बंक क्लास से लेकर डिलक्स क्लास तक। बंक क्लास का किराया है तकरीबन 3,000 रुपीज। अगर आप आइलैंडर्स है, मतलब आप अगर आंदामान के रहने वाले हैं, तो आपको किराए में 50% की छूट मिलेगी। गाढ़ा नील समुंदर को पीछे धकेलते हुए हमारा जहाज धीरे धीरे बढ़ता गया आगे की तरफ। और जहाज खुलने की 12 घंटे बाद और कोलकाता की खिदिरपुर डॉक से पहुंचने से 12 घंटा पहले तक, कुल मिलाकर 48 घंटा ये जहाज की 6वीं मंजिल पे, जहाँ पे अभी हम लोग है, हमें दूर दूर तक कोई भी जमीन नहीं देखा, चारों तरफ खाली पानी ही पानी था। और ये एक्सपीरियंस सही में हमारे लिए कुछ अलग था। और ये है जहाज की डेक में रिफ्रेशमेंट एरिया, और यहाँ पे टेलीविजन और इंटरनेट की सुविधा ना होने के कारण किया जाता है इस तरीके का कुछ एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के बाद हम लोग फिर से वापस आ गए हैं जहाज की डेक में। 6वीं मंजिल पे इस डेक में हवा बहुत तेज चल रहा था और ये समुंदर हमें बार बार आकर्षित कर रहा था उन्हें दो आंखों से जी भर के देखने के लिए। और जैसे एकोमोडेशन के लिए जहाज में विभिन्न क्लासेस रहता है, तो सेकंड क्लास में 1 केबिन में 6 बेड, फर्स्ट क्लास में 1 केबिन में 4 बेड और डिलक्स क्लास में 1 केबिन में 2 बेड रहता है। तो हमने अपना बुकिंग डिलक्स क्लास के लिए बनाया था और डिलक्स क्लास में सफर करने के लिए आपको लगेगा पर पर्सन 12 से 13 हजार रुपया।
और देखिए ये है हमारा डिलक्स क्लास का रूम, लाइफ जैकेट से लेकर दो सिंगल बेड, फ्रिज, टेलीविजन, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और ये विंडो, और जहाँ से दिख रहा है नीला समुंदर। सही में ये बहुत अच्छा था, हमारे लिए तो पैसा वसूल। और आखिर में हमारा 3 दिन का समुंदर का यात्रा कोलकाता में आकर खत्म हुआ। लेकिन आप हमारे चैनल में बने रहिए, क्योंकि आगे जाकर हम लोग देश और विदेश की और खूबसूरत डेस्टिनेशन की वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन में जाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलते हैं कोई सुनहरा डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।